Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. MATLAB में हम किसी भी इमेज को उसके बिट प्लेन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज की वीडियो में हमने देखना है. तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जो कि 4x4 का एक इमेज है जिसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं और उसमें वैल्यूज़ जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो पड़ी हुई है 250, 126, 26, 255, मतलब ये 0 और 255 के दरमियान वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैटलैब, जैसे आप मैटलैब में अगर आप इमेज लेके जाएं तो वो उसको अनसाइंड इंटीजर 8 में रखता है, मतलब वो 8 बिट में रिप्रेजेंट करवाता है. तो यहाँ पे उसके 8 बिट वर्जन्स हर पिक्सल के मैंने साथ लिख लिए. अब ऐसा है कि अगर हम एक नया इमेज बनाएं बिल्कुल इसी तरह का जिसके अंदर 4 रोज़ और 4 कॉलम्स ही हों, तो और उसमें हर पिक्सल का मैं MSB प्लेस कर दूँ, ठीक है, लाइक इस पिक्सल का जिस पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है अपना, तो इस पिक्सल का जो पहला बिट है 1 वो प्लेस कर दूँ, इसका 0 प्लेस कर दूँ, इसका भी पहला बिट 0 है, इसका पहला बिट 1 है और इसका सबसे लास्ट वाला है इसका पहला बिट 0 है. इसी तरह सारे पिक्सल्स के जो MSBs हैं वो उस इमेज में प्लेस कर दूँ तो ये एक सेपरेट इमेज बन जाएगा. इसी तरह एक और इमेज लेते हैं जिसमें जो दूसरे नंबर वाला बिट है ये हम प्लेस कर देते हैं. इसी तरह तीसरे नंबर वाले बिट्स जो हैं वो हम एक और इमेज में प्लेस कर देते हैं और इसी तरह जो लास्ट में LSBs हैं सारे पिक्सल्स की वो एक और इमेज में प्लेस कर देते हैं. तो ऐसा हुआ कि हमारे पास टोटल कितने इमेजेस बने, 8 इमेजेस बने. तो हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज ये था और उसके 8 बिट प्लेन्स हमने बना लिए हैं. तो हर जो पहला बिट प्लेन होगा जो जिसे हम जीरो बिट प्लेन जीरो कहते हैं उसमें LSB पड़ा होगा और जो लास्ट बिट प्लेन होगा जिसे हम बिट प्लेन 7 कहते हैं उसमें MSBs पड़े होंगे इस इमेज के. तो ये कैसे करते हैं हम, आइए अब हम MATLAB में जाके एक इमेज लोड करवा के देखते हैं. IM रीड करवाया मैंने इमेज को और MATLAB की बिल्ट इन लाइब्रेरी में पड़ा हुआ एक इमेज ही लोड करवा लेते हैं आज. PNG coins.png के नाम से एक इमेज है, इस इमेज को देख भी लेते हैं कि ये इमेज किस तरह दिखता है. मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ, फिगर और IM शो और यहाँ पे I, इसको देखते हैं कि ये इमेज क्या है. एक्चुअली ये कॉइन्स का इमेज है, इसमें कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है. तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ. अब ऐसा करते हैं कि इस इमेज में से क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इमेज MATLAB जैसे डिफ़ॉल्ट में करता है कि अनसाइंड इंटीजर 8 में इसने रखा हुआ है और ये एक ग्रे स्केल इमेज है फिलहाल. तो अनसाइंड इंटीजर 8 में है तो इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट किया होगा MATLAB ने. तो ऐसा करते हैं कि इसके 8 बिट्स अब इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं. चलें सबसे पहला काम आपने तो ये करना है कि इमेज को डबल में कन्वर्ट करना है. डबल में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो इमेज अपनी वो जो अनसाइंड इंटीजर 8 वाली नेचर है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी. तो मैं यहाँ पे ID लिख रहा हूँ. अब ये इमेज आपका डबल में कन्वर्ट हो चुका है. डबल में कन्वर्ट होने के बाद हम थोड़ी सी ज़रा मैथ्स पे आते हैं हम, कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक नंबर है 225, ठीक है, 225 का बाइनरी वर्जन ही आपके सामने है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी बाइनरी वर्जन का आप LSB एक्सट्रैक्ट करें तो उसको आप मॉड 2 कर लें, ठीक है. जब मॉड 2 कर लेंगे तो उसका LSB आपके सामने आ जाएगा, ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा ये. तो आप किसी भी जो मतलब कोई भी नंबर है आपके पास तो उसका अगर LSB निकालना चाहें तो आप जस्ट उसके साथ मॉड 2 कर लें तो रिमाइंडर उसका 1 बच जाएगा या 0 बच जाएगा, ठीक है. तो LSB उसका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर आप LSB से अगला नंबर, मैं दोबारा से उसकी तरफ आता हूँ, 225 था, 225 से अगला डिजिट जो है वो है 0. तो मतलब LSB से जो अगला डिजिट है वो है 0, ठीक है. या अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो अगला डिजिट है 0 225 में. तो अगर हम इस जो सेकंड नंबर वाला डिजिट है इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो बेहतर यही है कि हम इस सेकंड डिजिट को इस LSB की जगह ले आएँ और फिर मॉड 2 कर लें, ठीक है. तो वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये इस डिजिट को, जो सेकेंड डिजिट है, इसको LSB की जगह कैसे लाएँगे, शिफ्ट करके, ठीक है. कौन सा शिफ्ट, राइट शिफ्ट. राइट शिफ्ट जब करेंगे तो ये 0 इधर आ जाएगा. तो जैसे ही 0 इधर आएगा तो आप उसको मॉड 2 करेंगे तो आपके पास जो दूसरे नंबर वाला डिजिट था वो आ जाएगा. इसी तरह थर्ड वाला के लिए आप 2 दफ़ा शिफ्ट कर दें, 4 वाले के लिए आप 3 दफ़ा शिफ्ट कर दें और जो लास्ट वाला है इसके लिए आप शिफ्टिंग करके इसको LSB की तरफ लेकर आ जाएं और उसको बाद में मॉड ले लें उसका 2 के साथ,
ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज़ करके हम सारे बिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सारे बिट प्लेन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहला जो पी ज़ीरो है, मतलब मैं इसको प्लेन नंबर ज़ीरो कह रहा हूँ, हमने एक्चुअली कैसे करना है कि मॉड लेना है हमने अपने इमेज का, जो कि आई डी है, और इसको हम टू के साथ मॉड ले लेते हैं। ठीक है, जब टू के साथ मॉड लेंगे तो पी ज़ीरो हमारा आ जाएगा, जो कि बिट प्लेन ज़ीरो है, बिट प्लेन ज़ीरो जिसमें एल एस बीस पड़े होंगे, इसी तरह बिट प्लेन नंबर वन जिसमें एल एस बी से अगला वाला बिट पड़ा होगा, और इसी तरह जो बिट प्लेन नंबर सेवन होगा उसमें एम एस बीस पड़े होंगे। तो पी वन में हम मॉड टू के साथ ही लेते हैं आई डी का, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे टू आई डी का मॉड टू के साथ ही लेना है, लेकिन इस दफ़ा जो आई डी होगा उसको हमने शिफ्ट करवाना है। ठीक है, शिफ्ट कितना करवाना है, एक शिफ्ट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑपरेशन जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ बिट शिफ्ट, बिट शिफ्ट, इसे राइट की तरफ एक शिफ्ट देना है। राइट की तरफ शिफ्ट देने के लिए ये माइनस वन लिखना पड़ता है, अगर यहाँ पे प्लस वन लिखते हैं तो ये लेफ्ट शिफ्ट बाय वन कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन है बिट शिफ्ट, बिट शिफ्ट में आप इमेज लिखें और इमेज के बाद जितना आप शिफ्ट देना चाहते हैं वो लिखें। अगर आप टू लिखते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट बाय टू होगा, लेकिन अगर आप माइनस टू लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि राइट शिफ्ट बाय टू कर देगा। तो राइट शिफ्ट बाय, जब यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे तो ये राइट शिफ्ट बाय वन करेगा, और इस राइट शिफ्ट बाय वन के बाद आप जो रिज़ल्ट आएगा उसको जब आप टू से मॉड करेंगे तो आपका जो सेकेंड नंबर वाला बिट है, बिट प्लेन है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप आठ के आठ बिट्स, बिट प्लेन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आठ के आठ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो बिट का शिफ्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार बिट्स का, पाँच, यहाँ पे छः, और यहाँ पे सेवन बिट्स का आपको शिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए इन प्लेन्स के नाम क्या होंगे, ये पी वन हो गया, इसको पी टू कह देते हैं, ये थर्ड मतलब ज़ीरो हमारा पहला प्लेन है जिसमें एल एस बी होगी, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ प्लेन है, ये हमारा सिक्स प्लेन है, और ये हमारा सेवन्थ प्लेन है, और ये हमारा एट्थ प्लेन है। तो ज़ीरो से लेके सेवन तक सारे के सारे बिट प्लेन्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ऐसा करते हैं कि इनको मतलब इनको आई एम शो करवाते हैं, मतलब इसको विजुलाइज़ करते हैं कि किस तरह दिखते हैं। मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ और सब प्लॉट करते हैं हम, सब प्लॉट टू फोर वन, टू फोर वन, और हम आई एम शो करते हैं पी ज़ीरो को, जो हमारा पहला प्लेन था, और यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं कि इट्स अ बिट प्लेन ज़ीरो, बिट प्लेन ज़ीरो है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आगे सारे के सारे ऐसे ही होने हैं। ये बिट प्लेन ज़ीरो है, और जो 242 पे आएगा वो बिट प्लेन नंबर वन है, बिट प्लेन नंबर वन, और इसी तरह 243 नेक्स्ट आएगा, 243 पोजीशन पर बिट प्लेन नंबर थ्री आएगा, ये पी ज़ीरो था, पी वन, पी टू, और यहाँ पे पी थ्री, पी थ्री, यहाँ पे पी फोर आ जाएगा, पी फोर, इसको मैं यहाँ पे फोर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 241 पोजीशन पर पी ज़ीरो है, 242 पोजीशन पर बिट प्लेन वन है, 243 पे बिट प्लेन नंबर टू है, 244 पोजीशन पर बिट प्लेन नंबर थ्री है, 245 पोजीशन पर, यहाँ पे 245 पे बिट प्लेन नंबर फोर है, और 246 जो पोजीशन है उस पर प्रीवियसली क्या था, ये पी फोर था, और यहाँ पे पी फाइव आ जाएगा, इसे हम बिट प्लेन फाइव कह देते हैं। और इसी तरह अभी दो और बिट प्लेन्स रहते हैं, ये बिट प्लेन नंबर फाइव हो गया, 246 पर, 247 पर बिट प्लेन नंबर सिक्स है, इसको सिक्स कह देते हैं, और 248 पे जो कि लास्ट है हमारा, उस पे बिट प्लेन नंबर सेवन, जिसे हम आठवां प्लेन कहते हैं, ये बिट प्लेन नंबर सेवन हो गया। ऐसा करते हैं कि इसके नीचे वाला जो है वो इजाफी है, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है प्लॉटिंग में, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट्स है। तो ये आपके सामने बिट प्लेन्स आ चुके हैं।
तो ये देखें बिट प्लेन ज़ीरो जिसमें LSB है, इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिस तरह आप बिट प्लेन्स हायर बिट प्लेन्स की तरफ जाते जाएंगे और आपको जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा नज़र आती जाएंगी। इसी तरह हम अब इमेज चेंज कर देते हैं, जैसे कॉइन्स है तो इसके बाद मैं मैटलैब के अंदर एक कैमरामैन डॉट TIF के नाम से इमेज पड़ा हुआ है, cameraman.tif, तो इसको हम लोड करवाते हैं। लोड करवाने के बाद इसको एक दफ़ा देखते हैं कि किस तरह देखते हैं। तो ये देखें कि बिट प्लेन नंबर ज़ीरो है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बिट प्लेन वन में आपको इस जगह पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। फिर बिट प्लेन टू में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हर प्लेन में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो हमारा MSB है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें होती है आपकी इमेज की, और सबसे लीस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है जो कि LSB है आपका। तो अगर आप ये किसी कलर्ड इमेज के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास कलर्ड इमेज पड़े हुए हैं, मैं उसमें से कोई लोड करवा लेता हूँ और आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे। डॉट JPG है ये, तो इसको लोड करवाते हैं। अब ऐसी होगा कि ये अब कलर्ड इमेज है, तो कलर्ड इमेज में भी ऐसी होगा कि रेड के लिए को शिफ्ट किया जाएगा, मॉड टू किया जाएगा, वही काम जी के लिए, वही काम बी के लिए, ठीक है, RGB तीनों के लिए अलग किया जाएगा और फिर आपको इकट्ठा करके दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह दिखता है। तो ये आपके पास इमेज है, तो ओरिजिनल इमेज कुछ इसके करीब करीब था। तो देखें कि सबसे लीस्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास है और सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी इमेज को उसके बिट प्लेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने 8 बिट प्लेन्स में कन्वर्ट किया, तो आप अगर आपका इमेज 8 बिट्स में नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा बिट्स में है, तो आप उसमें मज़ीद बिट प्लेन्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।